नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का ओपन स्काई में। आज हम रीट लेवल फेस्ट की एक गुना की कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी तार्किक सार्थक चर्चा करेंगे। रीट लेवल फेस्ट की एक गुना की कट ऑफ थोड़े कम अंक बढ़ने की संभावना है। इसके पीछे दो तार्किक कारण जो मुझे पता चले। एक तो ये कि जो प्लस सीरीज है उसके अंदर दो क्वेश्चन थे। एक तो 102वां क्वेश्चन जो मैथ का, वो 2 बार चेक किया गया, और 120वां क्वेश्चन जो चेक ही नहीं किया गया। तो इससे प्रभाव पड़ा है 12-13% लोगों पर। इसका कारण ये है कि जो सीरीज थी 8 प्रकार की थी, तो प्लस सीरीज लगभग 12-13% लोगों के पास थी। जो मैथ का क्वेश्चन था जिसके अंक 2 बार जोड़े, वो तुलनात्मक रूप से सरल था, और जो 120वां क्वेश्चन था वो जिसके अंक नहीं जोड़े वो कठिन था। तो इसलिए लगभग बच्चों के प्लस सीरीज में नंबर घटे हैं। तो एक तो ये कारण है कि कट ऑफ कुछ कम रहेगी। दूसरा कारण इसके पीछे है कि रीट लेवल 2 में भी बच्चों का चयन होना। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका लेवल फर्स्ट में भी चयन हो रहा है और लेवल 2 में भी चयन हो रहा है। तो इस कारण उनका लेवल 2 ज्वाइन करने के बाद लेवल 1 की कट ऑफ थोड़ी कम रहने की संभावना है। अगर हम बात करें कि जनरल की कट ऑफ, तो जनरल की कट ऑफ 186.91 है। तो जनरल की कट ऑफ सबसे कम बढ़ेगी, यानी जनरल की कट ऑफ 192.5 के लगभग रहने की संभावना है, या तो इससे कम एक नंबर या इससे ज़्यादा। और इस प्रकार इसके बाद OBC की कट ऑफ भी कम रहेगी नंबरों के आधार पर। जैसे अब OBC का कट ऑफ लगभग 8-9 नंबर बढ़ने की संभावना है, यानी OBC की कट ऑफ 184.5। इसके बाद MBC की कट ऑफ, MBC की जो कट ऑफ है वो 180.5। जो मैं ये आंकड़ा बता रहा हूँ, या तो इससे एक कम या इससे एक ज़्यादा रहने की संभावना है। EWS की कट ऑफ लगभग 176.5। इसके बाद SC की कट ऑफ 168 से 169, ST की कट ऑफ 158-159 जाने की संभावना है। जो कट ऑफ ज़्यादा नीचे है जैसे 143, तो ये नंबरों के आधार पर ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे ये 158-159 तक पहुँच जाएगी। तो अगर हम बात करें सैनिकों की और या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, तो इसके हमारे पास आंकड़े बहुत ही कम हैं, तो मैं ये नहीं बता रहा। तो इस प्रकार कट ऑफ रहेगी और कुछ कम जाने की संभावना। इस प्रकार जैसे प्लस सीरीज वाले बच्चों के कारण एक नंबर लगभग कट ऑफ कम रहने की संभावना है, तो वो मैंने आपको बता दिया था। और ये हमारे रीट लेवल फर्स्ट के अनुमानित आंकड़े हैं। धन्यवाद।